नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्वेश्चन मार्क के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बुद्ध की एक बहुत ही प्रेरक कहानी को बताने वाले हैं, जिसका नाम है अमृत की खेती। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ, तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वो बोला, मैं ना तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, ना बैल और ना ही खेती का स्थल, तब आप कैसे कह सकते कि आप भी खेती ही करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी ज्योत है और हल है। पाप विरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकति रूपी हल की फाल और फेनी है। मैं वचन और कर्म में संयक्त रहता हूँ, मैं अपनी इस खेत को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रत्यनशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता, वो मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। तो दोस्तों, होप करता हूँ कि आज को आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।